रवि इंडियन आर्मी में नया ज्वाइन किया था। वह सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से जा रहा था। उसने देखा ट्रेन की सीट के पास आकर बहुत सारे जवान हाथ जोड़कर जा रहे थे। वो सीट पूरी खाली थी और सीट के नीचे दो बड़े बक्से रखे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया तो आंख बंद कर सो गया। देर रात आंख खुली तो अंधेरे में आर्मी की ड्रेस पहने उससे एक लड़का दिखा जो रवि को देख कर मुस्कुरा रहा था। रवि उसे देख कर थोड़ा घबरा गया और उठ कर बैठ गया। रवि उससे पूछा, क्या ये सीट उसकी है? तो लड़के ने इशारे से हाँ कहा। रवि उससे पूछा, वो कौन है और उसकी सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं सब जवान? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने फिर से पूछा। लड़का मुस्कुरा कर रवि को देखने लगा। रवि पागल कहकर लेट गया, पर जब उस सीट पर वापस नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। रवि को अजीब लगा और सारी रात उस लड़के के बारे में सोचकर सो नहीं पाया। सुबह हुई तो कुछ जवान सीट के नीचे पड़े बक्से को लेने आए। रवि दोनों जवानों से उस लड़के के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए। उन ऑफिसर ने बताया कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है जिसकी 1968 में मौत हो गई थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन की थी और 2 साल बाद ही पानी में डूब कर मौत हो गई। 3 दिन तक जब उसकी लाश नहीं मिली तब बाकी फौज वालों ने उसे भगोरा साबित कर दिया। पर एक रात वह अपने दोस्त के सपने में आया और उसका शव कहाँ मिलेगा वो बताया। जब आर्मी ने सर्च किया तो उनका शव उसी जगह मिला। तब से लेकर आज तक वह हर फौजी के सपने में आकर दुश्मनों के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वह हिंदू चाइना बॉर्डर पर 56 सालों से देश की रक्षा कर रहे हैं और रात में पहरा दे रहे जवान अगर आंख लग जाती है तो उन्हें थप्पड़ मार कर भी उन्हें सतर्क करते हैं। इंडियन आर्मी भी मानती है कि उनकी आत्मा आज भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है। उन्हें कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि भी दी गई। उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया जहां उनका एक कमरा है। हर रोज उनका बेड भी लगता है। उनकी यूनिफॉर्म और जूते रखे जाते हैं। हर बार जब उनके कमरे की सफाई होती है तो बेड पर सिलबट्टे और जूतों पर कीचड़ पाई जाती है। और तो और उन्हें घर जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है और उस समय सिक्किम में हाई अलर्ट रहता है। ये सब सुनकर रवि दंग रह गया।